हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू। तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 फेब 2020 का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर। क्या क्या क्वेश्चन थे, मतलब क्या क्या आपके ऐसे न्यूज थे जो कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो पहला लेते हैं हम लोग, जिसका पहले से ही एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था बाय द इकोनॉमिस्ट, कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स, इन्वेस्टर्स डंप इक्विटीज। तो जैसा कि हमें पता है कि जो शेयर मार्केट्स होते हैं, चाहे वो इंडिया के शेयर मार्केट्स हों, चाहे वर्ल्ड वाइड के शेयर का मार्केट्स हों, उनका अप्स एंड डाउन जो है वो बहुत ज्यादा रूमर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा रूमर्स पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करेगा उन रूमर्स पर। तो अभी जो कोरोना वायरस के जो केसेज है, चाइना के साथ साथ कई और देशों में मिलने भी शुरू हुए हैं, इसकी वजह से एक रूमर फैला और फैला हुआ है अभी भी कि ये कई कंट्री में इन्फेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से कई कंट्रीज में जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक असर है। यहां से देखो हमें क्या क्या न्यूज मिल सकती है। पहला अगर हम देखें तो वॉल स्ट्रीट, ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक कीवर्ड मिला हमें, टोक्यो का निकी हो गया एक कीवर्ड मिला हमें, और सियोल्स कोस्पी ये एक हमें कीवर्ड मिला, ये उनके शेयर मार्केट्स हैं, और यूरोपियन इंडिस सच एज दी FTSE 100 इन लंडन, है ना, ये सब हमारे कीवर्ड्स हो गए। तो इनके बारे में पढ़ लेना जो ये कीवर्ड्स मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक, और बाकी इसमें से और कुछ ऐसा न्यूज है नहीं, जो परसेंटेज है कितना गिरा, कितना मार्केट गिरा, वो आपके एमसीक्यू में नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड ये रहा, ग्रोथ स्लोस 4.7% इन क्वार्टर 3 बॉटम्ड आउट सेज सेंटर। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। कैसे अलग पार्ट है? ये जो ग्रोथ है 4.7%, ये जो डेटा है वो पब्लिश किया है बाय एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, कि 4.7% है। पर इसी डेटा को जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ये डेटा थोड़ा सा पुराना है। अभी हाल में ही जो एग्रीकल्चर है उसने बड़ा अच्छा ग्रो किया है। देखो नीचे लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर ने बड़ा अच्छा सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज कंटिन्यू टू ड्राइव ग्रोथ। और हमें और सरकार कहती है कि हमें उम्मीद है कि ये जो 4.7 का डेटा है ये जल्दी ही हो जाएगा आपका लगभग 5 से ऊपर। तो हमें यहां से कीवर्ड्स क्या मिल रहे हैं, पहला कीवर्ड्स जो हमें सर्च करना है एनएसओ के बारे में। ठीक है, सर्च कर लेना एनएसओ जो डाटा पब्लिश करता है वो किस जो स्टडी है, किस स्टडी को करने के बाद पब्लिश करता है। और दूसरा आपका जो जीडीपी है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो Q1, Q2, Q3, Q4 2019 की सर्च कर लेना, मे बी पॉसिबल आपके 2020 के एग्जाम में आ जाए। और Q1 2020 की सर्च करना, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने एक डिसीजन लिया, अब ये पास तो नहीं हुआ है, लेकिन दे अनाउंस्ड कि दे विल गिव 5% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जितने भी महाराष्ट्र में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मुसलमान बच्चों को 5% आरक्षण मिलेगा, चाहे वो आपके हायर स्टडीज हो या ग्रेजुएशन लेवल की स्टडीज हो या स्कूल्स हो। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम्स कम्युनिटी इन इंडिया, बिकॉज सच्चर कमेटी जो कि कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी वो भी ये कह चुकी थी क्या कि मुस्लिम्स की जो सोशियो प्लस इकोनॉमिकल प्लस एजुकेशनल जो स्टेटस है वो आपका बहुत नीचे है ओबीसी एससी एसटी से। तो उनके लिए अगर हम पहली स्टेज में रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये अच्छा है। ठीक है, पर जॉब में नहीं सकते हमें पता है, क्योंकि धर्म के आधार पर नौकरियों में अभी तक आरक्षण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। चलो भाई, अगला ये रहा, ये जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने अलर्ट जारी किया है कि जो इस साल का समर होगा 2020 का, टू बी हॉटर देन यूजुअल। ठीक है, समर स्पेशली द टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, इन तीन महीनों में मार्च अप्रैल मई में जो टेम्परेचर होगा वो जो नॉर्मल होता है उससे कितना ज्यादा होगा, नॉर्मल बाय ओवर 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और स्पेशली कहां पर होगा, आपका नॉर्दर्न इंडिया में। तो फ्रेंड्स, नॉर्दर्न इंडिया का मतलब क्या हो गया, आपका कैंसर से ऊपर जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ IMD कहता है कि जो ये हॉट समर है ये अच्छा किसके लिए है, दैट इज गुड फॉर दी साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारे यहां हमेशा जून में स्ट्राइक करता है केरला में, और कब तक रहता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ्स के लिए। गॉट इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है,
दिल्ली वाटर फेल्स टू क्लियर आईएसओ नॉर्म्स। अगर आप मेरी पिछली जो स्लाइड्स हैं या पिछले जो न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आईएसओ भी है, आईएसओ नंबर भी है। मैंने बताया था कि जो पीने का पानी होता है उसके लिए बाकायदा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने एक आईएसओ सर्टिफिकेट या नंबर जारी किया और वो ये नंबर रहा। अगर कोई बॉटल यानी कि सील्ड बॉटल पानी के अंदर या जो भी सप्लाई आपको पानी करता है, नगर निगम हो गया या जल निगम हो गया, अगर उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाए आईएसओ 10500:2012, तो वो पानी पीने के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि वो नॉर्म्स जो BIS ने बांध रखे हैं वो है। अब देखो यहां से आपको कीवर्ड्स क्या मिल रहा है, एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और दूसरा आपको ये आईएसओ। तो इसके जरा पैरामीटर्स देख लेना कि जिस पानी को, वाटर को आईएसओ 10500:2012 मिलता है तो वो कौन कौन से जो हर्डल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो फुलफिल करता है कि उसमें क्लोरीन नहीं होगा या और भी कोई एलिमेंट्स हो गए वो नहीं होंगे या हैवी मेटल्स नहीं होंगे और वो पानी पीने लायक है। एक फैक्ट ये कहता है कि हमारे पूरे भारत में आईएसओ जो ये पैरामीटर्स हैं, बहुत कम लोगों को इतना साफ पानी मिलता है। लगभग आज भी पूरे भारत में 70-80% पॉपुलेशन जो है ये आईएसओ सर्टिफिकेट तो छोड़ो ऐसा पानी पीती है, ऐसी जनता ऐसा पानी पीती है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है या एग्रीकल्चर में यूज, दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेजेस ग्लोबल रिस्क ऑफ वायरस टू वेरी हाई। अब देखो ये WHO ने एक अलर्ट जारी किया है कि चाइना के बाद ये पूरी दुनिया में फैल सकता है क्योंकि इसके जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के वो लगातार अब फैलते जा रहे हैं। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा है कि पैंडेमिक ऑन फ्राइडे विद 6 कंट्रीज रिपोर्टिंग देयर फर्स्ट केसेस, चाइना के बाहर 6 और कंट्री में मिला है, तो मे पॉसिबल ये बहुत खतरनाक बात है अगर WHO कह रहा है। और अगर आपको ध्यान हो मेरी जो पहली स्लाइड थी इसी न्यूज इस आज के दिन की 29 की, उसमें जो शेयर मार्केट गिरा था वो इस न्यूज से भी गिरा है कि जब WHO ने रेजेस ग्लोबल रिस्क ऑफ वायरस टू वेरी हाई तो सबने अपना मार्केट से पैसा निकाल के अपने अपने जगहों पर विड्रॉ कर रहे हैं। चलो तो अब देखते हैं अगर WHO ने हेल्थ अलर्ट जारी किया है तो अब बाकी कंट्रियां कैसे इसके लिए रहती हैं। अगला स्लाइड देखते हैं, ये इंडिया के फिर से इकोनॉमिक्स के सेक्टर की ये स्लाइड है। कोर सेक्टर ग्रोस 2.2% एज पर आउटपुट पिक्सअप, क्रूड, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, इंड्राइड। चलो तो यहां आपके लिए असाइनमेंट है, आपको यू हैव टू फाइंड द कोर सेक्टर्स ऑफ इंडिया। गॉट इट, मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, NIE जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आइडेंटिफाई द यूथ, कश्मीरी यूथ जिसने पुलवामा जो बॉम्बिंग अटैक हुआ था उसमें उनको शेल्टर दिया था, जो पुलवामा बॉम्बिंग में CRPF के कॉन्वॉय पे हमला किया गया तो हमारे जवान शहीद हुए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या बात बनती है। अगला ये रहा, ये भी इकोनॉमिक्स न्यूज से है, फिजिकल डेफिसिट टचेज 128.5% ऑफ बजट एस्टिमेटेड जनवरी एंड। तो ये बड़ा खराब है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी कि हमारी सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हों और कमाई यानी कि रेवेन्यू बहुत कम हो रहा हो, तो आप देख सकते हो कितना हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये रही न्यूज 29 फेब की। कल मिलते हैं 1 मार्च 2020 की न्यूज के साथ और उनके कीवर्ड्स के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं कल 1 मार्च की न्यूज के साथ।